ग्रामीणों को नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं तो खाली कर दिया गांव। गांव छोड़ भागे लोग, इक्का दुक्का परिवार ही बचे शेष। रोजी रोटी के लिए लोगों को मजदूरी करते महानगर आपने जाते देखा होगा। रोजगार की तलाश में कुछ मजदूरों के पलायन की खबरें भी आपने सुनी होंगी। गांव में सरकारी तंत्र से गुहार लगाते और रोजगार की मांग और शिकायतों के मामले भी आपने सुने होंगे। लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि किसी 400 की आबादी वाले किसी गांव में वर्तमान में 3 से 4 परिवार ही निवास करते हैं। गांव की करीब 95% अब आबादी गांव छोड़कर चली गई है। जी हाँ, सच यही है। सिस्टम की लाचारी बयान करती यह तस्वीरें दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पाड़ा झील गांव की है, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लोग गांव ही छोड़कर चले गए। ग्राम पंचायत सहजपुर अंतर्गत आने वाले पाड़ा झील गांव में वर्षों से पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। गांव का एक बड़ा तबका बेरोजगारी के चलते आर्थिक तंगी से बेहाल था। गांव में सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग जिम्मेदारों से गुहार लगाते लगाते थक गए। सदियों से उपेक्षा का दंड झेलते आ रहे ग्रामीणों की फरियाद जब जिम्मेदारों ने नहीं सुनी, तब थक हार कर ग्रामीणों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। और आज गांव की स्थिति यह है कि करीब 95% घरों में ताले लटके हैं। कई घर देखरेख के अभाव में जर्जर हो गए, पूरा गांव वीरान हो चला है। जो 3-4 परिवार सहजपुर गांव में रहते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और गांव नहीं छोड़ पा रहे। गांव में शेष बचे परिवारों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सूखे कंठ बुझाने के लिए पानी और दो वक्त की रोटी के लिए पंचायत स्तर पर कोई काम मिल जाए तो शायद शेष बचे गिने चुने लोग गांव में बने रहें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सहजपुर ग्राम पंचायत के नक्शे से पाड़ा झील गांव की छाप ही मिट जाए। ग्रामीणों की समस्याओं और पलायन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर तेंदुखेड़ा तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधिकारियों के पास शायद कोई जवाब नहीं है। खबर जगत दमोह तेंदुखेड़ा से विशाल रजक।